एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे। सुबह का 9:30 बजे का टाइम है और टीवी पे आ रहा है रामायण। और देख कौन रहा है? अंश के पापा। सुबह रामायण के टाइम पे वो ज़रूर बैठ के रामायण अपने बिल्कुल टाइम से देखते हैं। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली थी, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे। तारीख है आज एक अप्रैल और दिन है बुधवार का। समय हो रहा है 12:30 का। मैं नहा चुकी हूँ, अंश नहा चुका है। अंश के पापा अब भी नहीं नहाए हैं। इस छुट्टी वाले टाइम में उनके नहाने धोने का कोई टाइम नहीं होता है। टीवी देखते रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, जब मन होता है तब नहाते हैं। तो ऑफिस वाला टाइम सारा गड़बड़ हो गया है। और मैं इस समय बनाऊँगी दाल चावल लंच में। सुबह का नाश्ता में मैंने पराठा सब्ज़ी बनाया था। और मशीन लगाई हुई है मैंने आज मॉर्निंग में। मशीन लगा देती थी तो कपड़े धुल गए हैं, खंगालना बाकी रहता है। तो दाल चावल के संग में बनाऊंगी आलू का भरता। हमारे यहाँ यूपी में चोखा कहते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ चोखा कहा जाता होगा। किसके यहाँ कहा जाता है चोखा, ये भी बताइएगा। तो पहले मैं अपना मशीन में जो होता है खंगालने के लिए पानी लगा देती हूँ। और साथ साथ में मैं लंच की प्रिपरेशन भी करती रहती हूँ। तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ और दाल में ही आलू डाल दूँगी, छील के धो करके दाल में ही आलू डाल दूँगी। तो आलू को अलग से उबालना नहीं पड़ेगा भरता बनाने के लिए। तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मशीन में लगा दूँगी पानी दोबारा से खंगालने के लिए। तो चलिए काम को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ और दाल मैंने भिगो के रख दिया है वहाँ पर। 16 अप्रैल को अंश का बर्थडे है, तो पता नहीं उस समय तक लॉकडाउन रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। अगर बढ़ेगा तो उस टाइम पे भी लॉकडाउन रहेगा, और ख़त्म हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। तो कल अंश कह रहा था अपने पापा से कि मेरा बर्थडे कैसे होगा कैसे होगा, बच्चों को होता ही है कि बर्थडे का। तो अंश भाव ने कहा कि अगर लॉकडाउन रहा या कोरोना वाला कुछ भी ऐसा रहा तो बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर तुम्हें मैं तुम्हारा बाद में बर्थडे सेलिब्रेट करवा दूंगा और एक की जगह 3-4 केक ला दूंगा। तो अंश खुश हो गया। उसके पापा ने कहा है कि बाद में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 16 अप्रैल को, अगर लॉकडाउन रहा या कोरोना का कोई भी प्रॉब्लम ऐसे रहा तो। और उसका शुरू से ही है कि अपने बर्थडे के लिए वो एक एक दिन गिनता है, बच्चों को होता ही है। और जब से हमारे घर में छोटी गुड़िया आई है, मैं तो जा नहीं पाई ससुराल, हमारा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन तब से ये लॉकडाउन ही हो गया, तब से हम घर पे डेली सुबह शाम जैसे दवा नहीं होती है कोई, तो वैसे ही वो हमारी दवा हो गई है। तो सुबह शाम वीडियो कॉल करके उसको देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी है। ये आलू मैंने छील लिए हैं और अभी से वॉश कर लूंगी। और ये मैंने आलू डाल, अभी ये वाली टेक्निक जो है ना, मैंने आलू दाल में डाल के बॉईल करने वाली अंश के पापा से सीखी थी, ये उन्होंने सिखाया मुझे। क्योंकि जब शुरू शुरू में मैंने अंश के पापा के साथ रहना शुरू किया था तो मैं अपने मतलब मायके का कोई भी सामान लेके नहीं आई थी। इनके पास एक कुकर था, बहुत थोड़े बर्तन थे, बहुत ही थोड़े बर्तन, मतलब गिनती की, अकेले रहते थे बाहर और वहीं इलाहाबाद में पढ़ाते थे CMP डिग्री कॉलेज में, और ख़ुद कुक करते थे अपने लिए खाना। तो जब मैं इनके साथ रहने गई मैं शादी हुई थी, तो मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। और जब कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन तो कुछ दिन में अपने ससुराल में थी। जब इनके संग रहने गई हूँ मैं, तो मैं अपने ससुराल से कोई भी बर्तन नहीं लेके गई थी। मेरे घर से मेरे मायके से मुझे सब कुछ मिला था, किसी ने मना नहीं किया था कि मत लेके जाओ, ना किसी ने रोका था, लेकिन इनको नहीं पसंद था। तो हम क्या करते थे, कुकर में डालते थे दाल
और दाल में डालते थे दो चार आलू, अगर भरता बनाना होता था तो, और एक लोटा होता था उस लोटे में डाल के चावल और कुकर में डाल देते थे और विसिल लगा देते थे। मतलब कि मैंने जब पहली बार इनको देखा ये करते हुए तो मुझे लगा वाह ये तो साइंटिस्ट है, क्या टेक्निक है। तो उसके बाद से एक दिन इन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं ऐसे ही डेली खाना दोपहर में दाल चावल बनाते थे। तो सब्जी अगर कोई बनती थी तो कढ़ाई नहीं थी मेरे पास, भगोने में बनाती थी मैं, या उसी कुकर में बाद में बना लेती थी सब्जी में। और भरता बनता था आलू का तो ऐसे ही बनता था। तो इस समय मेरे पास जो भी सामान है सब कुछ अंश के पापा का खरीदा हुआ है, मेरे मायके का दिया हुआ सब कुछ मेरे ससुराल ने, यहाँ पे मेरे मायके का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। बट ना बर्तन ना फर्नीचर ना मतलब कोई भी चीज़, कोई किचन एसेसरीज कुछ भी ऐसा मेरे पास नहीं है जो मेरे मायके का दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी मुझे मिला था शादी के टाइम पर सब मेरे ससुराल में रखा हुआ है। तो अब मैं लगा देती हूँ मशीन में पानी की, जो कपड़े धो रखे हैं वो खंगाल दूँ मैं, और धूप की तो कोई ऐसी कोई है नहीं, कहने धूप अब अच्छी हो रही है तो कपड़े सूख ही जाएंगे। और बस चावल भिगो के रख दूंगी, जब सब खाना खाएंगे तो थोड़ी देर पहले चावल बनाऊंगी। देखती हूँ शायद रायता, दही रखा हुआ है तो हो सकता है तो मैं रायता बनाऊँ बूंदी का, बूंदी रखी हुई है मेरे पास। और उस दिन जो दही बड़े वाला जो मैंने रेसिपी आपके संग शेयर की थी उसमें जो मसाला मैंने बनाया था दही बड़े के लिए, तो वो मसाला किसी भी रायते में ऐड कर सकते हो। तो मैंने वो बना के रखा हुआ है डिब्बी में, एक्स्ट्रा बनाया था मैंने, तो वो रायते में मैं ऐड कर दूंगी, तो वैरायटी की वैरायटी भी हो जाएगा और कम चीज़ों में लंच भी अच्छा तैयार हो जाएगा। तो दाल हो चुकी है यहाँ पे और आलू ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं, आलू बॉयल हो चुके हैं। अब मैं दाल को फ्राई कर लूँगी, लहसुन प्याज को डालना नहीं है, मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी। घी में भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी, मस्टर्ड ऑयल में आज फ्राई करूँगी। ये मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, हींग और ये जीरा, ये डाल दिया मैंने इसमें जीरा, और अब डालूंगी इसमें हींग। कपड़े धुल चुके हैं, लास्ट राउंड कपड़े मशीन में ड्रायर में सूख रहे हैं, बाकी कपड़े मैंने बाहर डाल दिए, फैलाया नहीं बस ऐसे ही रख दिया, फैला दूंगी अभी। और ये एक छोटा टमाटर है इसको काट लूंगी मैं। और मेरे यहाँ चल रहा है शिनचैन, मुझे शिनचैन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है शिनचैन मुझे। इसमें एक सूखी लाल मिर्च डालूंगी मैं ये, और ये वही लाल मिर्च है जो सब्जी के संग जो फ्री में धनिया मिर्ची मिलती है उसी में से थोड़ी सी मिर्च सूखी हुई है ये, तो ये सूखी लाल मिर्च डालूंगी तोड़ के। ये एक लाल मिर्च है ये डाल दिया मैंने इसमें, और मुझे चावल बहुत पसंद है। मेरे घर में मेरे सिवाय ना अंश के पापा को चावल ज्यादा पसंद है, अंश को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता लेकिन फिर भी मैं खिलाती हूँ। टमाटर डाल दिया मैंने, चूंकि चावल मैंने कुकर में चढ़ा दिए है, इसमें आलू में मैंने नमक डाल दिया है, आलू को मैश कर दिया मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी पतली कटी हुई हरी मिर्च, और जैसे मैंने बताया कि आपको मुझे कल मिर्च खाने के लिए कहा गया था कि अब तुम्हें मिर्च खाने के लिए अवार्ड मिलेगा, तब ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना बिल्कुल फीका फीका खाना, इसलिए मैं बिल्कुल एक मिर्च डाल दूँ छोटी छोटी सी पतली पतली सी कट करके। और इसमें डाल दूंगी आम के अचार का मसाला, और जैसा आम का अचार मेरी सास बनाती है ना, आज तक मैंने वैसा टेस्ट आम के अचार का कभी नहीं चखा, कभी नहीं, इतना अच्छा आम का अचार है ना, उनके जैसे मेरे ख्याल से कोई बना भी नहीं सकता। इसका थोड़ा सा तेल डालूंगी आम के अचार का, तो
थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी आ जाएगा और मस्टर्ड ऑयल भी आ जाएगा। और एक अचार निकाल के इसमें मसल दूंगी मैं, और जब ये डब्बा खोलती हूँ तो इसकी स्मेल आती है इतनी अच्छी। बस अब भरते में और कुछ भी नहीं डालूंगी। बहुत सारे लोग टमाटर भून के डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन इसमें मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सोचती हूँ कि जितना कम से कम इनको मार्केट भेजना पड़े मुझे, इसलिए मैंने टमाटर इसमें भून के नहीं डाले, क्योंकि टमाटर हर एक चीज़ में डलना है, सब्जी में भी डलना है, और छोले राजमा बनाऊंगी उसमें भी डलता है, दाल का तड़का लगाती हूँ उसमें भी डलता है। तो मैंने टमाटर भरते में नहीं डाला है, सिर्फ नमक। काम निपटाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बालकनी में कपड़े डालने के लिए। तो जो कपड़े मैंने मशीन में से निकाल के रखे थे ड्रायर करके, वो मैंने यहाँ सामने कुछ चेयर पे, कुछ बाहर तार पे डाल दिए थे, और ये जो सूखे हुए कपड़े वो हटा के मैं अंदर कमरे में रखती जा रही हूँ। अभी सारे कपड़े मैं उल्टे कर करके डालूंगी, क्योंकि सीधे कपड़े रहेंगे और तेज़ धूप रहेगी तो उनका जो कलर है वो उड़ जाएगा। तो ये उल्टे करके कपड़े मैं डाल रही हूँ, और जो सामने ये तार दिख रहा है जिसपे मैं ये डाल रही हूँ कपड़े, ये इन्होंने अब डाला था तार, अब लगाया था। सर्दियों भर तो मैं छत पे कपड़े सुखाती थी, मैंने आपको बताया भी था। तो इस पर अच्छे से धूप लग जाती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है कपड़े सुखाने के लिए। इस समय बज रहे हैं रात के 10:30, और जो मैंने लंच वाला वीडियो शूट किया था उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, मुझे नहीं पता चला, रिब्स में हो रहा था, पीठ में हो रहा था, बहुत मतलब कि सीवियर पेन हो रहा था। और उसके बाद वॉमिट स्टार्ट हो गई कंटिन्यू, कम से कम 10 वॉमिट कम से कम हुई होगी, इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मेरा मतलब कि उठना चलना सब मुश्किल हो गया था, और पेन ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी, बहुत पेन हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी। और इन्होंने वैसे एक चीज़ है कि परेशानी में ये बिल्कुल भी नहीं घबराते, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं घबरा जाते। अब तो मैं फिर भी स्ट्रांग हो गई हूँ, क्योंकि मैं 3 साल कॉन्टिन्यू बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर जो मैंने झेला है उसके बाद मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ, नहीं तो मैं एक सिंपल इंजेक्शन से भी डरती थी, मेडिसिन एक टैबलेट लेने में मुझे वॉमिट आती थी। तो होता है ना कि परेशानी आती है आपको मजबूत बनाने के लिए, उस परेशानी में या तो आप हार जाओगे या तो निकल के बाहर आओगे तो मजबूत बनोगे। तो वही मैं निकल के अगर उस परेशानी से बाहर आ गई हूँ तो मजबूत बन गई हूँ। और इस समय मेरा वॉमिट कर करके गला अंदर से बिल्कुल ज़्यादा छिल चुका है, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, गला एकदम छिल गया है और हेडेक हो रहा है। तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी, अंश सो चुका है, काम सारा हो चुका है। मैंने रात में कुछ भी खास स्पेशल नहीं बनाया था, बहुत हल्का सा खाना बनाया था, दाल और रोटी, और मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, हो सकता है मैं कल तक ठीक हो जाऊँ तो आपसे अच्छे से बात कर पाऊँ, क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही है मेरे से, गले में मतलब अंदर से बिल्कुल खराश ऐसी हो गई है, छिल गया है गला। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, फिर से मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।